शनिवार को कस्बा बवीना में संत रविदास जी के अनुयायियों ने उनकी जयंती को भव्यता के साथ मनाया। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और एक स्थानीय विवाह घर में सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न किए गए। आपको बताते चलें कि शनिवार को संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर उनके अनुयायियों ने संपूर्ण नगर को नीले गुब्बारों और झंडों से सजा दिया था। बवीना कस्बे के बीजासैन मोहल्ला को भी भव्यता प्रदान की गई थी। दोपहर के समय बीजासैन मोहल्ला से ही एक भव्य विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बवीना समेत आसपास के क्षेत्र से आए हुए संत रविदास के अनुयायियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कार्यक्रम में अन्य समाज और जातियों के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में संत रविदास, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रीय संत गौडगे महाराज, ज्योतिबा फुले समेत देश की कई महान विभूतियों के स्वरूप घोड़ों और बग्घियों पर विराजमान थे। साथ ही साथ शोभा यात्रा में बच्चे और युवा हाथों में नीली पताकाएं लेकर चल रहे थे, तो वहीं बज रहे डीजे की धुन पर जमकर नाच रहे थे। शोभा यात्रा बीजासैन मोहल्ला से प्रारंभ होकर मेन रोड पर आई, जहां से स्टेशन रोड होते हुए वापस मेन रोड पर आकर हाट बाजार तक पहुंची। इसके बाद बवीना के पीएनबी तिराहे पर शोभा यात्रा में शामिल हुए बवीना विधायक राजीव सिंह पारीछा को बवीना के अहिरवार समाज के लोगों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बवीना विधायक ने समाज के लिए हर संभव सहयोग करने और सहायता देने की बात कही। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पलविंदर सिंह नंदा, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, रोहित ठाकुर, संघ के नगर प्रचारक उपेंद्र जी, रामतनय मौर्य और राजेंद्र लक्षकार मौजूद रहे। बाद में शोभा यात्रा का समापन एक स्थानीय विवाह घर में जाकर संपन्न हुआ, जहां मंच पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए संतों के बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बवीना से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।